कितनी बार ब्रीडिंग हो गई आपकी ये घोड़े से? आपकी ब्रीडिंग कितने बार हो गई? नहीं पता। रिजल्ट कैसा है आपका? बच्चे सारे नुकरे निकलते हैं। हाँ, नुकरे आते हैं। स्पॉटलेस नुकरे हैं सब आपके पूरे। घोड़ा मंडी तो यार तो दूर बहुत है। कोई बात नहीं। ये क्या है, हूफ कटा? जी सर। कितने का आएगा सर? 5500 रुपए का। बताओगे जरा बिरयानी कैसी? समझ में नहीं आया। जबरजंग क्या जबर जंग होता है उसका सर? जबरजंग नेम है हमारा। वो बच्ची नहीं, उसका 2 लाख है जो फुलकारी वाली है। तो जी कौन सी ब्रीड है? लंदन से हमारे फ्रेंड। लंदन? हाँ जी लंदन। यू नो व्हाट आई लव अबाउट पंजाबी कल्चर इज, कोई यहाँ पे भूखा नहीं रहता है, कोई प्यासा नहीं रहता है। नोबडी लिव्स विदाउट अ शेल्टर। एक सर्कल हो जाता था ये 4 साल। ये इसका बाप है जी समुंदर। अब और ब्लड लाइन का ये नाग का बच्चा है। क्या है जो दिखता है वो पिक्चर है? अच्छे घोड़े हैं जी, इनको टेंट भी तो जगह भी अच्छी चाहिए इनके लिए खड़ाने के लिए। यहाँ पे लोग उसका गलन और दरिया जल के पहले चाह पानी पूछते हैं। Hi, welcome back to FSA Entertainment, January 13th, 2024. पंजाब हॉर्स शो खत्म हो गया है, गोइंग टू घोड़ा मंडी नाउ। घोड़ा मंडी चलोगे? घोड़ा मंडी तो यार तो दूर बहुत है। कोई बात नहीं। He finds it very far. प्रॉब्लम यही है, घोड़ा मंडी जाने में तो ऑटो मिल जाती है, आते वक्त बिल्कुल नहीं मिलती है। घोड़ा मंडी चलोगे? घोड़ा मंडी चलो। कितना लोगे घोड़ा मंडी अकेली सवारी? कितना लोगे? 100 रुपया लगे। चलो चलिए सवारी तो अपना। आई गॉट द राइड बट द प्रॉब्लम इज आते वक्त नहीं मिलता है। कल जगह जगह लंगर होगा ना। कल ना भाई कौन से बर्ड है? चकोर है। चकोर? चकोर कितने का? 1000 का जोड़ा। 1000 रुपए का जोड़ा? ये क्या पालने के लिए लेते हैं? लोग खाते हैं? खाते हैं, पालते हैं। अच्छा, चूकला पैट्रिज बोलते हैं इसको। दिस इज अपेरेंटली पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है, चूकला पैट्रिज, चकोर बोलते हैं। एक कहावत है हिंदी में, चांद के पास चकोर। एक्चुअली आई डोंट नो हाउ इट मेक सेंस, क्योंकि चकोर जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, इट कैन नॉट फ्लाई। चांद तो दूर की बात, ऊपर एक माला भी नहीं उड़ सकता है। चकोर 1000 रुपये जोड़ी, 1000 रुपीज पर रुपये। मंडी के बाहर है ये। चकोर के अलावा है बतख। जी किसका है बता? किसका आपका? नहीं मालिक नहीं है। ये क्या है, हूफ कटा? जी सर। कितने का आएगा सर? ये 5500 रुपए का सर। कितना? 5500। 5500 जी सर। कौन सी कंपनी का है?
ये यूएई का बना हुआ है, लोगो हमारा खुद का जी, खुद हम इम्पोर्ट करवाते हैं सिद्धू फरिया टूल्स यूएई। ओके जी सर। कोई शॉप है आपकी? हाँ जी सर, कहाँ पर है? डेढ़ का गली, डेढ़ का तहसील जगराउंड डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। ओके, क्या नंबर है आपको? मेरा नंबर ये रिफ्लेक्सी मरी है। कितना मिनिमम ऑर्डर करना पड़ता है? हाँ जी, मिनिमम कितना ऑर्डर करना पड़ता है? नहीं कोई कोई तो कोई सस्ता नहीं। वाला नहीं है होप का? सस्ता वाला खत्म हो गया सर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना। कितने का आता है? 1200 रुपए का आता है। ये 5500 तो जी सर, 5500 का 12 इंची, 14 इंची होता है 6500। ओके, बाकी अलग अलग कंपनी। लाइफ है इसकी? लाइफ इसकी लॉन्ग लाइफ है सर, फेरियर यूज करते हैं। ओके, जो बंदे नालबंदी करते हैं, जो धार वगैरह चली जाती है। हाँ जी, ये नालबंदी के लिए? नालबंदी के लिए जी, हूफ कटर है ना। हूफ कटर, हूफ कटर जो प्रोफेशनल बंदे यूज करते हैं ना, डेली बेस पे यूज करना जिनको। ओके जी, जी सर, थैंक यू। पंजाब हाउस शो इनफैक्ट कल ख़त्म हो गया, स्टैलियन का शो था लास्ट में। आई कुड नॉट कवर बिकॉज बहुत ठंड थी और रात हो गई थी। कल मेन डे है एंड परसों जो है लास्ट डे रहेगा। आई थिंक 15 से लोग शाम को जाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी भाई, क्या है ये? बटाटे? ये पकोड़े हैं आलू के। अच्छा। हाँ, ये मिर्च के पकोड़े हैं, ये ब्रेड पकोड़े हैं, ये गोभी के पकोड़े हैं, ये चिकन पकोड़े हैं। फ्रेश कौन सा है? यहाँ पे मुरादाबादी बिरयानी है। मुरादाबाद बिरयानी के पुलाव? बताओगे जरा बिरयानी कैसी? ठीक है, आप लोग ये हलाल में है भाई, तिरंगा बिरयानी है। हाँ ये तो ओके, बिरयानी अच्छी है। दूं। मुरादाबादी दूं। कितने की है? अरे नहीं नहीं, कितने कितने की? 130 रुपए की हाफ। ओके जी, चिकन बिरयानी है ना? चिकन का भी हलाल है। हलाल है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उवेश। ओके ओके, आपका? मोहम्मद सलमान। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसी बिरयानी नहीं बनती है बम्बई में, अलग, वो हैदराबादी टाइप की, इसका रंग अलग है थोड़ा। चले अड्डे वाली डाल दो, एक अड्डे वाली डाल दो। मुरादाबादी बिरयानी, मुरादाबादी ना? हाँ जी, मुरादाबादी तिरंगा बिरयानी बिरयानी दो आए। आओ इंग्लिश मम्मी, चॉकलेट आप लोग हर मेले में जाते हो? हर मेले में जाते, हर साल लगाते हैं। इसके बाद कौन से मेले में जाओ? इसके बाद जाएंगे हैदराबाद। कौन सा मेला है वहाँ पे? कौन सा? नौ चंडी मेला है। किस चीज का मेला है वो? तो वैसा ही खिलौनों का मेला। ओके ओके ओके। मुरादाबादी बिरयानी लुक डिलीशियस बट नॉट टू कीन, क्योंकि मुझे वेज खाना ज़्यादा पसंद है। एंड ये है मेरा फेवरेट ढाबा, दे मेक डिलीशियस फूड। आज क्या बनाए, क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर? पहले बताओ क्या क्या है आज? दाल गोभी आलू मटर। दाल गोभी आलू मटर, गोभी फ्रेश ना, कल वाली तो नहीं है? मुझे दो एक गोभी देना, गोभी दाल और दो रोटी, तीन रोटी। फोटो बना, फोटो वीडियो आ रही है ना, दिखा दे सही तेरे आके। निकालिए निकालिए, थैंक यू। दाल गोभी रोटी मूली है ना चार। हाँ,
पंकज कहाँ से आए हो आप? श्री बॉक्सर से आए। लोकल हो? घुमाने लाए हो? ये बेटा फतेहवीर से। घोड़े बताने लाए हो? नहीं, कूड़े नहीं लेते। बताने लाए हो उसको? घुमाने लाए। ओके। क्या चैनल का नाम है? किसके घोड़े? ये राजवीर बाक्सर है, अड़ा घोड़ा। ये कोई मालिक है? हाँ मालिक है। हम आप ही है? आप ही है। बात कैसे? इंटरव्यू कैसे बच्चे की कराने हैं कैसे के बंदे हैं और की करा देते हैं? इंटरव्यू करनी है? हाँ नहीं नहीं मैं आता हूँ, फिर आता हूँ। आ जाओ। दिक्कत ये वो हरगुण मान के है क्या? हरगुण मान के? हरगुण मान के है? नहीं 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 अच्छा, बागसर वाला जो राजवीर का घोड़ा है उसके बच्ची है ये सारे? ये दोनों ये अलग ब्रीड है, वो मालिक खड़ा। वो फोटो लगा है राजवीर का है? नहीं यहाँ पर फोटो नहीं लगा, वो उसका उधर घोड़ा है उसके। जी क्या नाम है घोड़े का? जबरजंग आपका है सर? एक डिस्प्ले में आया था वही ना? हाँ जी, हाँ जी, वही। बात कर सकता हूँ दो मिनट से? कल तो मैं तो समझ नहीं आया नाम क्या था, जबरदस्त था क्या जबरजंग? आज ही मैंने उसकी वीडियो डाला हूँ फेसबुक यूट्यूब पे, बट नाम समझ में नहीं आया। जबरजंग क्या जबर मतलब होता है उसका सर? जबरजंग नेम है हमारे पंजाब में, एक सरनेम जैसा नेम है। नेम है, क्या मायने है उसके? उसका मायना है महाराजा रणजीत सिंह, नहीं उसके पास तोपें होती थी। ओके। उसमें से एक तोप का नाम जबरजंग था। अच्छा, तो ये तोप है आपका? हमारी तोप है बड़ी वाली जबरजंग, बहुत बड़ी तोप थी। तो इसको आपने डिस्प्ले में उतारा, लेकिन नुकरा का जब कॉम्पिटिशन था तब आपने चैलेंज कैटेगरी में क्यों नहीं लिया इसको? ए नुकरा नहीं हैगा। अच्छा, ये बजुके वाला है? बजुके वाला, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मारवाड़ी कैटेगरी में क्यों नहीं निकाला इसे? हम ऐसे नहीं, ऐसे शो ही करते। ओके। हाँ आई रिमेम्बर, कल बोल रहे थे ग्रे, तो बाद में जाके कलर चेंज हो गया सर उसका? हाँ धीरे धीरे, पहले ब्लैक होता है। हाँ हाँ। बाद में धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। अभी क्या उम्र है इसकी? इसकी 5.5 साल है। तो अभी आगे जाके और कलर चेंज करें? नहीं नहीं, अब व्हाइट ये फाइन है, ये हो जाएगा। ओके ओके। तो वो हम जो डैपल ग्रे वगैरह देखते हैं वो निकल गया सर? वो निकल गया। हाँ जी। अच्छा, वो कौन सी एज में होता है, कौन से साल में होता है? डिपेंड करता है घोड़े के पर, कोई 3 ईयर में होता है, कोई 4 ईयर में, कोई 5 ईयर। ओके। तो ये अभी अभी हुआ ऐसा ग्रे कलर का? अभी 1 साल हो गया। एक्चुअली कहेंगे ग्रे, लेकिन हैज लिटिल व्हाइटिश शेड, व्हाइटिश ग्रे में मिक्स है, क्योंकि जब इसको पसीना आएगा इसकी स्किन ब्लू निकलेगी अंदर से। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ओके। कहाँ पे रहते हो सर आप? हम जोधा गांव है हमारा। जोधा कितना दूर है मुक्सर से? मुक्सर से तो काफी दूर है, 100-125 किलोमीटर होगा, लुधियाने के पास है। 100-125 इज नॉट फार सर, है ना? लेकिन घोड़ा बहुत जबरदस्त लेके आया, नाम भी आपने रखा है जबरजंग। क्या उद्देश्य है लाने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग? ऐसे दिखाने के लिए लाए हैं, लोगों को भी ऐसे भी घोड़े होते हैं, मजबूत घोड़े। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। व्हाट इज द बेस्ट रिएक्शन? सबसे ज्यादा तारीफ किसने की है, क्या सुन के बहुत दिल खुश हुआ? जजों ने, वहां जजों ने भी की, सभी ने तारीफ की है घोड़े की। से क्या हाइट है वैसे इसकी? इसकी हाइट है 66+ है, ये वाला है 66+। हाँ जी। हाँ। और आपने बचपन से पाला है क्या? बचपन से है, होम ब्रीड है। ओके। मजुकी लाइन का है? हाँ मजुकी लाइन। इसका पिताजी वही फौजी? फौजी है, फौजी का है ना? हमारे पास दो है, एक और इसका भाई और है। हाँ वो भी इसका, वो ही माँ है, वो ही पिता है, फौजी पिता। फौजी घोड़ा अभी भी है क्या? नहीं वो एक्सपायर हो गया जी। ओके ओके। तो ये बेचने का कोई इरादा नहीं है? नहीं नहीं अभी तो। क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल है सर? हाँ जी क्रॉसिंग। कितना चार्ज कर रहे हो आप फीस इसका? 31,000 जी। 31,000। आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? 9876228222।
और आपका पूरा नाम सर? सतवीर सिंह है जी। ठीक है, और कहाँ के रहने वाले आपने? जोधा गांव है। जोधा लुधियाने के पास। लुधियाना के पास। बहुत अच्छी चीज लाए हो, जबरजंग, JABARJANG, जबरजंग, फैंटास्टिक नेम, पहली बार सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जबरजंग के बाद हम मिलते हैं ये जेंटलमैन से। क्या नाम है सर आपका? जगवीर सिंह है जी। और कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यही जिला जाइए जी, गांव साथ में है, बक्सर। बक्सर के ही हो? हाँ जी। और कितने घोड़े घोड़िया लाए हो आप? अभी चार लेके आए। ये चार जो खड़े हैं? हाँ जी, चार ही बच्चे हैं जी। ये मेल फीमेल सारे? सभी फीमेल ही है जी। ये कितने उम्र की है? तो बड़ी लग रही है थोड़ी। नहीं, ये 3 साल की है जी। हाँ, तो मेहर कहलाएगी अभी? नहीं, जब बच्चा देगी कोई एक दो, जब पूरे दांत कर देगी, 4 दांत तो मेरे होगी। अभी दो दांत पे है जी। लाने का पर्पस क्या है? बेचना है आपको? कोई अच्छी कीमत मिलेगी तो बेच देंगे जी। क्या कीमत लोगों ने लगाया और आपको क्या चाहिए? नहीं, वो सीक्रेट है जी, जब आके बात करेगा तो बात करेगा। हाँ, सीक्रेट की। हाँ जी। अभी पब्लिक तो देखती है, जो शौकीन है वो तो चैनल हमारा इसलिए देखते हैं कि भाई उनको पता चले कि रेट क्या है, क्या वो शौक कर पाएंगे क्या नहीं। कोई बात नहीं, हमारा हमारा नंबर होगा ना, इंटरव्यू में तो बात कर लेंगे। क्यों सर, महंगा है आपका दाम? क्या आपको बोलने में दिक्कत हो रही है? नहीं सर, आपकी चीज़ें आप करोड़ मांगो उसमें क्या है? नहीं नहीं, वो फालतू की बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। 2 करोड़ भी मांग लो, मांगना तो आप अपनी मर्जी है ना। एक उसका फायदा क्या है? क्या रेंज के हैं घोड़े वो बता दीजिए, ये प्राइस रेंज के मिलेंगे? भैया अपनी अपनी रेंज है ना, यहाँ 15 लाख से लेके तो जो अभी बच्ची है 4 लाख तक बच्ची है। 4 लाख to 15 लाख आपकी बच्चियाँ खड़ी हुई। ये है 3 साल की? ये 3 साल की है। किसकी बेटी है? रौली वाले अर्जुन की बच्ची है ये। रौली वाले अर्जुन की है जी। मदर साइड? मदर साइड है जी इसकी, भाई मिंटू वाला घोड़ा था जी। ओके, अभी क्या हाइट पकड़ी है सर इसने? अभी 65 है जी। और जाने वाली हो जी? 65 की घोड़ी है ये? 65 की अभी बच्ची है और प्रेग्नेंट है आदिल से। आदिल वो जो डिस्प्ले में आया जी, था जी, वो? जी हाँ जी, 9 मंथ की प्रेग्नेंट है ये। okay, 2 महीने के बाद बच्चा देगी, 2 मंथ के बाद। तो बहुत शानदार घोड़ा है सर। हाँ जी, उसी से प्रेग्नेंट है ये। वाओ, ब्यूटीफुल। व्हाट अबाउट दिस वन सर, ये वाला? और ये जो बच्ची है ये रतन घोड़ा है ना, रतन अलवंद का, ये रतन की है। ओके, और ये 8.5 मंथ की प्रेग्नेंट है। और इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र है अभी 28-29 मंथ, अभी 2 दांत नहीं हुई, हो रही है। तो इतनी जल्दी आपने ब्रीडिंग करा था? नहीं, ये घोड़ी मेरे बड़े भाई साहब थे ना, मिंटू जी, उनके पास से मेरे पास आई है। ओके, तो पहले से ही हुई थी। तो ओके, ओके जी। और वो वाला 2 बच्चे हैं क्या? क्या वो भी बच्चे भी? हाँ, जो 2 बच्चे हैं ये बागसर वाला घोड़ा है जो नुकरा, उसकी बच्चियाँ ये दोनों। क्या हाइट है सर वो बीच वाली, थर्ड वाली? वो तो बच्ची है 15 मंथ की, जो आगे वाली है थोड़ी फुलकारी। अच्छा, वो आगे वाली जो? हाँ जी। तो ये फुलकारी निकलने वाली है, वैसी रहेगा? नहीं, ऐसी रहेगा, हम ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अच्छा, इसमें छेड़छाड़ होती है? कर देते हैं पर हम नहीं करते। तो एक बार अगर छेड़छाड़ करके निकाल दिए? हाँ, तो फिर 6 मंथ के बाद फिर आ जाता है। अच्छा, ऐसा आएगा? हाँ जी। ओके ओके, तो ये जैसा है नेचुरल है? हाँ जी, नेचुरल है, सभी नेचुरल है, जो एक दो बिंदिया है किसी के तो है। तो कितना मांग रहे हो उसे दोनों का? कुछ एक का तो दाम बता दो। सबसे कम वाली आपने बोला 4 लाख से, वो बची रही? उसका 2 लाख है जो फुलकारी वाली है। 2 लाख का है? हाँ जी। क्या हाइट पकड़ेगी सर वो जाके? वो 62 इंच की घोड़ी बन जाएगी, 62 की। हाँ जी। किसकी बेटी है वो? वो हमारे पास बागसर में घोड़ा है नुकरा, उसकी है, बागसर वाला घोड़ा। ओके, उसकी है। बड़े सुंदर जानवर ये निकाला आपने तो, और अच्छी लग रही है। हाँ जी। क्या क्या नंबर रहेगा आपका? हमारा नंबर है जी 95-928-41-098 9592841098 यहाँ पर कब आए सर आप? कल? हम कल आए हैं, एक दो घोड़ियाँ अभी आ रही है। और रेस्पॉन्स कैसा मिला आपको? बढ़िया मिल रहा है जी। हा? बढ़िया है जी, अभी घोड़ियाँ आ रही है ना, सभी आ रहे हैं देखने। लोगों का क्या प्रतिक्रिया होती है जब आके देखते हैं? बस खरीदार आते हैं कि बस सैर सपाटे के लिए आते हैं? नहीं, खरीदार ही आते हैं जी, कुछ सैर सपाटे वाले भी जी, अपना अपना टेस्ट है सभी का। कुछ बेचा आपने अब तक? नहीं, अभी तो भैया एक घोड़ी है ना, अभी तो उतारी है ये। उतारी है तो अभी 2 घोड़ियाँ और घर से आ रही है, उतार रहे हैं। कब तक के रहने वाले हो सर आप? हम 17 को जाएंगे जी, 16 को शाम को या 17 को सुबह। हाँ जी, क्योंकि कल ज्यादा ठंड के कारण हम आज ही आया जानवर, कुछ रात आया, कुछ आज आ रहे हैं। ये घोड़ी उतार दी और दूसरी लेने के आए। थैंक यू सर। क्या नाम है? लक्ष्मी है जी। लक्ष्मी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप सिंह, संदीप सिंह। और कहाँ के रहने वाले हो आप? रामगढ़ चुंगा, जिला श्री मुक्तसर साहब। कितने? एक ही है? एक ही। क्या मकसद है लाने का?
इसको ऐसे ही ले शो के लिए लाए हैं। कल उतरी थी शो में? हाँ जी, नहीं शो शो में नहीं डाली। अच्छा, यानी डिस्प्ले करने लाए हैं। डिस्प्ले के लिए तो शो में उतार देते हैं और लोग देखते हैं। नहीं, मन नहीं माना इसलिए। तो पहले उतरी है कोई शो में? नहीं, शो ने पहली फर्स्ट टाइम मेले में आई है। क्या नाम है इसका? इसका लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी लाइन की है ये? हबोर लाइन की है। हबोर लाइन है जी। और उम्र कितनी है उम्र लक्ष्मी की? उम्र इसकी 4.5 साल। 4.5 साल। और हाइट? हाइट इसकी 65 इंच। 65। हाँ। 65। तो कोई ख़रीदार आएगा तो आप बेच दोगे? जो से दाम पर देगा तो बेच देंगे। क्या रहेगा दाम? हम 25 लाख इसकी मूल करते हैं। 25 लाख रुपए? हाँ। इतनी है? हाँ जी। इसकी कीमत है? किसी ने कुछ लगाया क्या? सुन के बेहोश हो जाता। इस आज ही आई है, किसी ने नहीं लगाया। हाँ, कोई लगाएगा? कोई हिम्मत करेगा इतनी लगाने की? लगाएंगे, सभी लगाएंगे। चलिए सारे लगाए हैं। बड़ी सुंदर लक्ष्मी नाम है। हाँ जी, धन्यवाद। क्या उम्र की है? हाँ जी, क्या उम्र की आप? उम्र 4.5 साल। 4.5 साल की लक्ष्मी एंड 65 हाइट। हाँ जी, हाँ जी, 65 हाइट। बिल्कुल प्रेगनेंट है? हाँ जी, प्रेगनेंट नहीं कराई है, बच्ची है ना, इसलिए 4.5 साल में तो एडल्ट हो गई ना ये, इसलिए नहीं कराई। इसको शो में डालना था, इसलिए मन नहीं माना। फिर नहीं? कौन से शो में? ये मुक्सर वाले में। फिर मन नहीं माना? नहीं, मन नहीं माना। कंपटीशन टफ लगा आगे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इससे अच्छी नहीं है कोई। अच्छा, आपने आपने जानवर सभी को अच्छे लगते हैं। हाँ, इसलिए। लेकिन ये अच्छी है अब आपके लिए। धन्यवाद भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नंबर देना चाहोगे आपका? हाँ जी, 77173। अंग्रेजी में दोगे? थोड़ा नज़दीक रखिए। 7717386842। और नाम क्या है आपका? नाम संदीप सिंह। और ये है लक्ष्मी? हाँ जी। कहाँ की है लक्ष्मी? रामगढ़ चुंगा गांव है, श्री मुक्तसर साहब जिला। श्री मुक्तसर साहब की लक्ष्मी। हाँ, कौन से फार्म की? कोई फार्म का नाम है? फार्म एक संधू स्टड फार्म। संधू स्टड फार्म। थैंक यू। थैंक यू। ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਈ। ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? हाँ, पॉम। कितने का है? 15,000। कितनी उम्र है इसकी? ढाई महीने की। मेल फीमेल? फीमेल है। फीमेल है दोनों? दोनों दोनों इकट्ठे 15,000 के? 1,15,000। 1,15,000 का। कितना? 2.5 महीने। तो अभी तो माँ के दूध पियोगे ना? माँ के दूध पे रहना चाहिए ना अभी? डेढ़ महीना। ओके। पॉम ना? बट है रेट बहुत ज़्यादा। रेट बताओ ना देने वाला। देने वाला रेट तो बताना, बाकी आप क्या रेट है उसी बताना। आप बताओ देने वाला। अभी तो बता दिया। चांद चीज़ आपकी है, मैं तो कुछ भी बोलूँ, आप बताइए। कुछ ही बोलो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो हम पकड़ा देंगे। कितने का जी? 15,000 का। 15,000। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लंदन से हमारे फ्रेंड। लंदन? हाँ जी, लंदन। क्या नाम है सर आपका? अवतार सिंह संधू। और आपके फ्रेंड का नाम? गुरप्रीत। गुरप्रीत। और लोकल मुक्सर के वहाँ? हाँ जी, लोकल ही हैं। सरावा बोतला हमारा गांव है। क्या चीज़ ले आती है लंदन से यहाँ पे आपको? बस यही, आप देख रहे हो इधर का कल्चर, घोड़ों का प्यार, और आप सबको मिलने के लिए हर माघी के टाइम आप आते हो? हाँ जी, हर हर माघी टाइम हम आते ही आते हैं। वैसे करते क्या हो लंदन में आप? लंदन में अपना खुद का बिजनेस है, रेस्टोरेंट। पूरी फैमिली वहीं पे लंदन में? नहीं नहीं, अकेला था। अच्छा। हाँ जी। बड़ा मुश्किल होता होगा फैमिली के बिना। सारे पंजाबी में देखा, लंदन कनाडा सब चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। और कितने लोग यहाँ पे घोड़े बेचते हैं? हाँ जी, वही है ना, घोड़े समाओ वहाँ पर, यहाँ पर घोड़े खरीदो। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो घर पे कोई घोड़ों के भी रेट आजकल पौंड के बराबर हो? आप लोगों ने बढ़ा दिया। हाँ जी, वो क्या करे, भी उतना हो, देते भी उतना है, क्या करे। हाँ, तो लंदन में रह के यहाँ पे शौक कौन करता है घोड़ों का? छोटा भाई है। हाँ जी, छोटा भाई है त्रिलोचन संधू, वो कर रहे हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। वीडियो कॉल पे देखते रहते हो? हाँ जी। कौन सा घोड़ा रखे हो अभी? हमारे पास है मिड्डे वाले घोड़े का बच्चा, रुस्तम, वो है। आपको
अभी 5 महीने का है, 53 हाइट है उसकी। बस शौक है आपका, व्यापार नहीं करते हो घोड़ों का? कमाई घोड़ों में कमाई करने के लिए नहीं होते, घोड़े तो सिर्फ एक शौक शौक के लिए होते हैं। रेट सुन के तो हम बेहोश हो जाते हैं, अगर शौक के लिए होता तो फिर। लेकिन आप उनको पैसे के हिसाब से एक दिन भी नहीं रख सकते, सिर्फ आपको शौक होना चाहिए, पैसे से घोड़ा नहीं आता। बट लोग तो ब्रीडिंग, घोड़ा शौक से आता है, ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये घोड़े की मर्जी है कि कब उसने आना है, कहाँ रहना है, क्या आपको पैसे देने हैं या आपसे लेने हैं, ये घोड़ा खुद ही डिसाइड करता है। पैसे से घोड़ा नहीं लाया जा सकता, कोई लोग आप पैसे के जोर पर घोड़ा ब्रीडिंग कराते हैं उसका पैसा हाँ, लेते हैं। घोड़ा तो हमेशा एक टांग पे खड़ा होता है, मुझे ब्रीडिंग करनी है। हाँ जी, वो कभी ना थोड़ी बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भाई साहब, ठीक है ठीक है। और चलिए एंजॉय कीजिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये बोल रहे थे कि आज हमारा मॉर्निंग का वीडियो देखे, भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू, ये जो प्रमोट कर रहे हो घोड़ों को, आपकी वजह से ही हजारों नौजवान जो कि नए युवा लोग हैं वो आपकी वीडियो देख देख के इस पशुपालन की तरफ आ रहे हैं। आप घोड़ा का बकरी का पशुपालन से ज्यादा ना, मैं बम्बई से आता हूँ, बम्बे में शायद ज्यादा लोगों को पता भी नहीं मुक्सर नाम की कोई जगह है। हाँ जी, तो हमारी वीडियो के थ्रू लोगों को पता चला है कि हाँ मुक्सर नाम की कोई जगह है और इतना बड़ा मार्केट लगता है। हाँ जी, मतलब लोगों ने सिर्फ पुष्कर सुना है। हाँ जी, हाँ जी, मुक्सर जो है ये नहीं, नहीं आप, मैं आपकी वीडियो हर दफा देखता रहता हूँ। आप कितने साल से मेरे हिसाब से 2019 से आ रहे हैं? 19 से आ रहा हूँ मैं। 19 से आ रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू, आप थैंक यू, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। कब तक के हो आप इंडिया में? अभी और रहेंगे 1 महीना। ओके, हाँ जी, मार्च में जाएंगे। मैं लंदन में जाऊँ इनके रेस्टोरेंट में खाने को। व्हाट इज द नेम ऑफ योर रेस्टोरेंट? इस पंजाबी नान कुलचा किंग। ओके, हाँ जी, ऑल वेज फूड। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। और आप क्या करते हो सर? आप भी कनाडा वाले आ गए यार, ठीक है। चलिए, आप क्या करते हो सर? गुड गुड, कीप अप द गुड वर्क, एंजॉय द शो। ओके, थैंक यू सर। चलिए, हम आए हैं भाई, एक चैलेंज था कल रिंग में ऑन डिस्प्ले, उसकी वीडियो आज डाल रहा था मैं, मुझे उसका नाम बहुत पसंद आया था। आपका घोड़ा, और क्या नाम है आपका सर? दमदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ, मेरा नाम मनपाल सिंह संधू है। मनपाल जी, घोड़े में इतने मगन हो गए कि अपना नाम भी दमदार बता रहे हो। चलो जी, घोड़े का नाम भी दमदार है तो मालिक भी दमदार ही रहना चाहिए। देखिए, आदमी स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा, दमदार रहना। यू नो व्हाट आई लव अबाउट पंजाबी कल्चर इज, कोई यहाँ पे भूखा नहीं रहता है, कोई प्यासा नहीं रहता है। Nobody lives without a shelter. हर एक बंदे को सर पे छत मिल जाएगी, गुरुद्वारे में खाने को कुछ मिलेगा, पीने को कुछ मिलेगा। मैं जब आया हूँ, आप मेरे ख्याल से पहले नहीं, मेरे ख्याल से 10वें बंदे हैं जिन्होंने बोला कि भाई आप मुंबई से आए हो, मेले में आते हो, आप मेरे घर पे रुको जी, मेरे साथ खाना खाओ जी। हमारे यहाँ पे इनका खुद किचन होता है हर घोड़े वालों का, दे ऑल हैव फूड, इन्होंने चाय ऑफर करी, खाना भी ऑफर किया, बोले रोज़ खाओ। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट द हॉस्पिटैलिटी। एक खाना ना खाना तो खैर अलग बात है, बट ऑफर करना, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये आपका कल्चर मुझे बहुत पसंद है। ये जो पंजाबियों की जो मेहमान नवाजी है ना, ये अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, तो होना भी चाहिए। देखो, आप इतनी दूर स्टेट से आए हो, एक आप प्यार की, हम अगर प्यार की बदौलती एक आदमी एक दूसरे से मिलता गिलता है, उसका आगे और अच्छे लोगों से रिलेशन, तो हमारा फर्ज बनता है हमारे मेहमान हो, अतिथि भवे। अच्छा, पूरा इंतजाम के साथ आते हो आप लोग? जी बिल्कुल। यू हैव योर ओन किचन, आपका बंदा होता है जो खाना पकाए? मेरे पास 3 कुक हैं हमारे पास, तो बाकी और स्टाफ है, मेहमान आते हैं। एक जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, नहाने धोने का प्रॉब्लम हो जाता है, वॉशरूम वगैरह का यहाँ पे नहीं, अरेंजमेंट उसका है। कहाँ पे? जैसे नहाने वगैरह का तो जैसे टेंट लगा के, तो उसका वॉशरूम का क्या करते हो? वॉशरूम का थोड़ा सा देखो इन में दिक्कत होती है, जंगल में चले जाते हैं, हाँ, फिर ओपन में जो ओपन, हाँ, डेफिकेशन करना पड़ता होगा। बट खैर, सरकार भी कितने लोगों का लगा है, क्योंकि इतनी आबादी होती है, लगा भी दिया तो इतना गंदा हो जाएगा। जैसे देखते हैं पुष्कर मेले में होता है, वो जो पोर्टेबल सीट्स होती हैं वो होती हैं, पर वो इतनी डर्टी होती हैं, आप जा नहीं सकते, आप तो वहाँ से गुजर नहीं सकते हो, इतनी गंदी होती है वो। जी जी, ठीक है, तो ये बात अच्छी है। कमिंग टू सर, आपका दमदार कल आपने रिंग में उतारा जी डिस्प्ले, मैं जानना चाहूँगा फ़ायदा क्या है आपको उससे? रिंग में आई एम श्योर लोगों को देखने मिलेगा यूट्यूब चैनल वगैरह पर, बट उसमें आपका नंबर नहीं जाता है, तो हाउ डू पीपल कॉन्टैक्ट यू? लोग सर्च करें नेट पर जाके, मेहनत करें?
वैसे तो चलो हम वैसे हमारा पेज वगैरह बना हुआ है नेट पे, इंस्टाग्राम पे सिरमौर स्टड फॉर्म के नाम से हमारा, हाँ सिरमौर स्टड नूरपुर के नाम से हमारा पेज है। फेसबुक पे मनपाल सिंह संधू के नाम से हमारी आईडी है। तो वैसे आगे से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि नंबर बोलेंगे आप, नंबर बोल दें तो उससे थोड़ा सा हाँ कॉन्टैक्ट करने की आसानी हो जाती है, क्योंकि हम जब आपका वीडियो बनाते हैं वी मेक श्योर के वी आस्क योर फोन नंबर, है ना। और क्योंकि आप इतना टेंपरेंट लगा सर, सी बात है आप जेन्युइन बंदे हो जी, है ना। कभी कभार क्या होता है किसानों के नंबर डालने थोड़ी दिक्कत हो जाती है जी। अब पता नहीं कौन बंदा जेन्युइन है कोई नहीं, क्योंकि कुछ मरतबा मुझे कंप्लेंट्स आई थी जी, ओके। जैसे बाहर स्टॉल्स होते हैं सैडल वगैरह के, मुझे कंप्लेंट आई थी तो मैं नंबर डालना भी थोड़ा कम किया। बट यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड फार्म, आई मीन यू आर नॉट रनिंग अवे एनीवे जी, है ना, सो पीपल कैन ट्रस्ट यू। ठीक है, चलिए दमदार बताएं, आप चाय पी लीजिए। ठीक है, ठीक है, इनके दमदार घोड़े का इंटरव्यू, दमदार के साथ इंटरव्यू लेते हैं। क्या घोड़े को खोला जा रहा है क्या? खोल रहे नहीं, नहीं उसकी अभी वो राउंड लगा के आया ना जी, उसके पांव वगैरह साफ कर। हाँ जी जी, क्या बात कर रहे थे हम, पहले तो इनका इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कीजिए, क्या है आपके? सिरमौर स्टड नूरपुर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम। आप बताओगे कि क्या अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर है पब्लिक को समझा रहे जी। सिरमौर SIRMOHER, सिरमौर उसके स्पेस देके स्टड नूरपुर, स्टड नूरपुर NOORPUR नूरपुर इंस्टाग्राम पे जी। क्या फेसबुक पे भी है? फेसबुक पे मनपाल सिंह संधू के नाम से आईडी है। अच्छा, मैं ये ऑफलाइन आपको पूछ रहा था आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसी, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं हिंदी बोलने में, हमें पंजाबी समझ लेती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, बट आप हिंदी अच्छी बोल लेते हो, पंजाबी बोल लेते हो, हाउ डू यू मैनेज? आप क्या लोगों में बड़े हुए हो जो हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, ट्रैवल ज़्यादा करते हो? मेरी स्टडी है, वैसे मैं जो मैंने ग्रेजुएशन की थी वो मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला से की थी, मेरे साथ में दोस्त भी थे कुछ हरियाणा के, हिंदी वगैरह बोलते थे। MA मैंने कंप्लीट तो नहीं की, तो बीच मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, मैंने एक साल ही लगाया था MA में, यूनिवर्सिटी में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। मेरा सीड का बिजनेस, बीजों का, जैसे धान हो गया, होगी बीट पैडी मूंग वगैरह, इसका प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा इंडो एक्सपोर्ट के नाम से। कहाँ पर? ये पातना है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पातना पड़ता है, उसके साथ नूरपुर गाँव है हमारा। ओके, इसीलिए टाइटल नूरपुर में रहते भी हुआ जी जी जी। ओके, तो घोड़ों का शौक, ये कीड़ा कहाँ से लग गया आपको? घोड़ों का तो ऐसे है जी, घोड़े मेरे परदादा जी ने रखे थे जी। आपके परदादा से? मेरे ऐसा है जी, मेरे परदादा जी थे ना, वो जिसको पंजाबी में बोलते हैं बाइया बोलते हैं, जो बाई विलेज का ना एक गाँव होता था, एक सर्कल हो जाता था, बाइया, मेरे दादाजी बाइये के प्रधान थे जी। ओके ओके, हाँ, तो वो घोड़े रखते थे, जैसे एक घोड़े पे चढ़ जाते थे, दूर दराडे आना जाना पड़ता था, एक घोड़े पे चढ़ गए, आते वक्त दूसरी उस घोड़े पे पीछे खुला छोड़ दिया उस घोड़े को, दूसरे पे चढ़ गए, वो पीछे घास चरती आती थी, ऐसे करके उनसे बाद मेरे दादाजी ने भी रखे हुए थे, ये पिता पुरख ही चल रहा है जी, मेरे डैडी ने रखे हुए थे, फिर उसी चीज को। मैं घोड़ा कब खरीदा है जी? आपने सबसे पहला घोड़ा कब खरीदा? हमने घोड़ा सभी घोड़ा था ये एक मेरे पास, हमने उस पर राइड की थी 615 किलोमीटर की, बरनाला से पुष्कर। अच्छा, 615 किलोमीटर की राइड थी, 11th डे में हमने कंप्लीट की थी। ये उस टाइम की बात तो नहीं जब मनु सिकाओ के साथ लोग आए थे? हम पांच राइडर थे, मनु शर्मा जी थे, मनु शर्मा जी थे, प्रगट पन्नू थे, मैंने इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे मनु शर्मा। हाँ जी जी जी, 2019 की बात है, 19 की बात है, वो राइड कंप्लीट की थी तो उसी घोड़े पे की थी, वो बच्चा लिया था मैंने। नाम है ना जी? लॉन्ग राइडर्स क्लब। हाँ, लॉन्ग राइडर रेंच। लॉन्ग राइडर रेंच, हाँ, वैसे हमारे जो क्लब का नाम है वो लॉन्ग राइडर्स है। कितने मेंबर्स हैं? मेंबर तो गिनती अब तो बढ़ती जा रही है, वैसे जो राइड आप राइड करते हैं, क्योंकि आजकल लगभग 10-12 मेंबर हैं उसके। घोड़े ऐसे लग रहा है कि लोग सिर्फ शौक के लिए, दिखावे के लिए, कोई राइड बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, हम तो बहुत राइड करते हैं, हमने एक दिन में 80 किलोमीटर की राइड की हुई है सुबह से शाम तक, अभी एक दिन में 100 किलोमीटर की राइड करनी है। घोड़ा एट ए स्ट्रेच कितना किलोमीटर राइड कर सकता है एक सवारी? देखो, वॉकिंग में तो आप, हमने आपको बोला जैसे 80 किलोमीटर की हुई है नॉन स्टॉप वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग में। ओके, बीच में से एक घंटे का आराम दिया था, एक गर्मी के मौसम में, उस टाइम तो ठंड था। नहीं, ठंड भी नहीं थी, नवंबर का महीना था वो मेरे ख्याल से, जब वो पुष्कर वाली की थी तब नवंबर था जी, हल्की हल्की ठंड। जब जो 80 किलोमीटर वाली की थी तब आप ये मान लो भी
ये महीना था ही शायद अप्रैल का महीना था, मार्च अप्रैल का। सबसे चलिए घोड़े के बारे में बता दे सर, पहले तो नाम जो है खुदा का शुक्र है आपने ना सुल्तान रखा ना यू नो नूर रखा ना बादशाह रखा, क्या है नाम वो बहुत अच्छे जी। लेकिन इतने कॉमन हो गए कि हर दूसरे घोड़े का नाम वही होता है, आपने नाम रखा है इसका दमदार जी। ये कहाँ से अचानक से वियर्ड सा आइडिया आ गया कि भाई मेरे को दमदार नाम रखना है जी? मेरे पिताजी ने ये नाम रखा है, मेरे पास जो और भी घोड़े हैं सभी के नाम अलग अलग हैं, अच्छे हैं। एक एक घोड़ी है उसका नाम बरकत है, बरकत वेरी नाइस। तो एक का नाम तकदीर है बच्ची का, नगमा है। ये नगमा आपकी थी जो आई थी अभी? नहीं, अच्छा वो, नहीं वो और घोड़ी है मेरे पास। बट एक चीज़ मैंने देखा हूँ, पंजाबी जो नाम रखते हैं वो उर्दू नामों से बड़ा मैच करता है जी, थोड़ी सिमिलरिटी है। तरन्नुम है, तरन्नुम जैसे हो गया घोड़ी का, मेरा नाम तरन्नुम है। उर्दू वर्ड्स का इस्तेमाल आई थिंक पंजाबी कल्चर में, देयर सम वर्ड्स व्हिच आर वेरी कॉमन है, कुछ कुछ कल्चर भी सेम है, कल्चर भी सेम है। जैसे ना मान लीजिए अमृतसर से जो लाहौर की दूरी है 30 किलोमीटर है, तो वो पार्टीशन हो गया थोड़ा सा दूरी बढ़ गई, जैसे बॉर्डर हो गया, नहीं तो वो फिर उस वजह से थोड़ा बड़ा कल्चर तो लैंग्वेज के जो सिमिलर वर्ड है। अब वर्ल्ड वाइड देखना बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो इंडिया वाइज कॉमन है, थोड़ा बड़ा अपनी अपनी एरिया के वजह से उसमें बदलाव आ गया, लेकिन कॉमन है वर्ड। बहुत खूबसूरत है ऐसे, इसे दमदार आपने नाम रखा, जाहिर सी बात है आई मीन ये तो कोई उर्दू वर्ड नहीं है जी। लेकिन इसके लिए सामने वाले की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, उसका जो दिमाग में वर्ड्स है। आपके दादा ने, किसने दादा ने ही नाम रखा? पिताजी, पिताजी ने नाम रखा, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी इसीलिए नाम आया। ये कितने साल से आप पाल रहे हो सर दमदार को? ये दमदार इसका बर्ड मेरे घर का ही है। अच्छा, मेरे पास घोड़ी है एक रत्नाकर की बच्ची है, उसके दो पैर सफ़ेद है पिछले, माथे में उसके ब्लेज है, पटा है उसके, तो उसका ये बच्चा है, ये देवराज रहने वाले का बच्चा है। ओके, क्या उम्र का है ये? ये मार्च में 5 साल का हो जाएगा। ये प्रॉपर स्टैलियन है? हाँ जी। और क्या हाइट का है? हाइट जो वाटर स्केल वाली इसकी हाइट होती है वो 69 से ऊपर है, जो छड़ी रहती है वो। हाँ हाँ हाँ, जो वाटर स्केल होता है ना, अदरवाइज 69 स्टेप से करेंगे तो कितना? हाँ वो पता बात क्या, देखो हाइट ऐसे बोल दें 65 को बोल दें भी ये 67 है वो उस बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब आप घोड़े के करीब जाओगे ना अपने आप आपको पता लग जाएगा अपनी हाइट के हिसाब से इसकी है कि नहीं है। देखो मैं आपको 70 बोल सकता हूँ वैसे ही इतना है, क्यों बोलूँ, जो है वो ही है। 69 से इसकी ऊपर है, मैं 70 बोल सकता हूँ पर नहीं बोलूँगा, जो है एक्चुअली वही है वाटर स्केल से। 69 बहुत लंबी बहुत हाइट है जी, बहुत हाइट। कुछ लोग कहते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए कुछ कारस्तानी की जाती है, क्योंकि मारवाड़ी प्रॉपर ब्रीड जो है मैंने सुना हुआ ऐसा लोगों से, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो यही 63-64 के होते। नहीं पता बात क्या है, देखो कुछ ये तो है नहीं भी अगर इतनी हाइट बढ़ती होती तो लोग अपनी हाइट क्यों नहीं बढ़ा लेते, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी होता। जो अच्छी ब्रीड है अच्छी लाइन है, अच्छी बात नहीं तो हर एक आदमी, हर एक आदमी ने तो 6 फीट हो जाएगा। हाँ हर एक आदमी, दूसरी बात हर एक कौन कहता सोचता है कि मेरा घोड़ा कद में छोटा रह जाए, हर एक आदमी की सोच होती है ना घोड़ा बड़ा, ये जो लाइन अच्छी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेक सेंस, वेरी राइटली आंसर्ड, आई एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री विद यू, वरना हर एक बंदा तो हाइट बढ़ाएगा जी। बिल्कुल, जो अच्छी लाइन है अच्छी जेनेटिक है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ आपकी डाइट अच्छी हो, आपकी उस पर मेंटेनेंस आपकी अच्छी रहे घोड़े पे तो सब अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा। ये सर 5 साल का है आपका दमदार जी? बिल्कुल। और देवराज रनिया वाली लाइन है, रनिया वाले का। ओके, इसके बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई फोटो लगाना था ना आपको? फोटो लगाया नहीं? फोटो बोर्ड पे लगी हुई है। कैन वी सी? जी बिल्कुल। तो कितना लेते हो आप क्रॉसिंग वगैरह का? क्रॉसिंग वगैरह का फीस बहुत जेन्युइन रखी है, 31,000 रुपया फीस रखी है अभी, क्योंकि अच्छा घोड़ा कम रेट में सबकी पहुंच में होना चाहिए। आम लोगों के पास देखो लाख लाख डेढ़ लाख 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 रुपए की घोड़ी होती है, वो डेढ़ लाख दो लाख पीस कैसे देगा? हमारा यही, मेरे पिताजी का यही कहना है भी यार अच्छा घोड़ा हर एक की पहुंच में होना चाहिए कम पैसों के। किसी ने कहा था कि घोड़े वाले सिर्फ शौक करते हैं, पैसे कमाने की नहीं सोचते, लेकिन अगर ऐसा रहता तो फिर आप चार्ज क्यों करते? देखो ऐसा है जी, मेंटेनेंस भी बढ़ती है, मेरे पास ऑलरेडी 10-11 घोड़े हैं। हाँ। जो एक और बात है ये ना, एक मेटेलिटी भी होती है, आप फ्री में कर दोगे ना लोग सोचेंगे यार ये ऐसी कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, आप 10,000 कर दोगे बोलेगा यार वो फलाना घोड़ा तो इतने ले रहा है। आपके आंसर्स बड़े कन्विंसिंग लगे मुझे। वो आपको मेंटेन करने के वास्ते नहीं, आपको करना पड़ता है।
बहुत कन्विंसिंग आंसर्स लगे आपके. वी टॉकिंग अबाउट दमदार के रिजल्ट. सर इसमें से कौन सा खड़ा है अपने फॉर्म पे? कौन सा खड़ा है सर इसमें अभी अपने पास फॉर्म पे? ये बच्चा? सारे बच्चे इसके ही है जी. मेरे पास फिलहाल इसकी वो ऊपर वाली बच्ची है जो राइट कॉर्नर पे ऊपर है, ऊपर एकदम वो ब्राउन वाली. हाँ जी हाँ. तो एक जो जो मत्थे फूल वाली घोड़ी है ना, इसके साथ जो बच्ची खड़ी है ये भी अभी हमारे पास है. ओके ओके. तो ये बेचने का इरादा है आपको? नहीं फिलहाल तो नहीं इरादा है, क्योंकि बच्ची बहुत सुंदर बनने वाली है. ओके. तो फिलहाल तो नहीं है. ये सारे इसके बच्चे हैं. ये तो छोटा सा ऐसे जितनी को फोटो मिल गई या किसी ने भेज दी तो वो लगा दी. ठीक है. ये इनका वैसे है सिरमोहर अंडरस्कोर है, स्पेस नहीं है. हाँ, अंडरस्कोर नूरपुर जी बिल्कुल. और ये इनका मोबाइल नंबर है 9815085888. व्हाट्सएप पे कौन सा नंबर है आपका? व्हाट्सएप पे दोनों नंबर है. जो पहले वाला 888 वाला मेरे पिताजी का है, सरदार जसपाल सिंह जी का. जो 9816545646 वाला है वो मेरा नंबर है. ओके. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. लवली टॉकिंग टू यू. आई फाइंड योर आंसर्स वेरी कन्विंसिंग. जी बिल्कुल. मज़ा आया बात करने और डिस्प्ले में शानदार लग रहा था आपका घोड़ा. थैंक यू. खड़े में ऐसे समझ में नहीं आता है, जब बाहर घोड़ा निकलता है उसकी रंगत ही अलग होती है. थैंक यू बहुत बहुत आपका जी. थैंक यू. भीड़ देखिए कोमल सेट फार्म पे. लोग कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है. तो वंडरफुल टेंट. बहुत गर्दी है. विल स्पीक विद देम लेटर. इतनी गर्दी क्यों है? बढ़िया सर. क्या नाम है आपका? कोमल है कि नहीं? चलो बाद में गर्दी कम होगी तो उसका इंटरव्यू लेता हूँ. मुझे ऐसा लगा फ्री में कुछ बांट रहे हो आप लोग, इतनी गर्दी है. रफ्तार रफ्तार नाम है इसका. गुड आफ्टरनून जी. क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून. मेरा नाम रणदीप भाई. रणदीप. हाँ जी. कहाँ के रहने वाले हैं? हम थराईवाड़ा से. थराईवाड़ा से. कहाँ पे आता है ये? मलोट के पास रहेगा. मलोट और किधर वाके चले? ज्यादा दूर नहीं है. हाँ ज्यादा दूर नहीं. लाए हो स्पीड? हाँ जी. रफ्तार? हाँ रफ्तार. क्यों रफ्तार नाम रखा? के दौड़ में तेज है? हाँ जी. नाम रफ्तार क्यों रखा आपने? बस वैसे ही. वैसे ही थोड़ी कोई रखता है. रफ्तार तेजी की उसके स्टेमिना बहुत है. तो वो तो दमदार होना चाहिए. हाँ दमदार. और रफ्तार तो स्पीड को बोलते हैं. हाँ. ये बहुत स्पीड में ब्रीडिंग करता है. हाँ. फट फट ब्रीडिंग भी. और ये मेले का चक्कर लगाओगे आप थक जाओगे. ये नहीं थकेगा. घोड़ा है थकना. हाँ. नहीं चाहिए. हेलो क्या बोल रहे हो आप? मेले का आप चक्कर लगाओगे ना इसको पकड़ कर, ये नहीं थकेगा. आप थक जाओगे. एक गेड़ा नहीं लाया जाएगा. ऐसे मत बोलो, हम बहुत घूमे हैं, थके नहीं. हाँ नहीं, घोड़े को पकड़ना थोड़ा यार आगे की तरफ खींची जाता है. ये बड़ा सुंदर स्पॉटलेस है. हाँ स्पॉटलेस है. ये क्या माल लगा है इसको? ये इस पे राइडिंग करते होते हैं. पटा लग गया. अच्छा वो जो साइकिल का लग जाता है. क्या हाइट का है वैसे ये घोड़ा? हाइट इसकी 8 इंच है. 68 इंच का है ये. और कौन सी ब्लड लाइन का है ये? नूर का बच्चा अवल कराने वाले. आपके पास कब से है? हमारे पास बचपन से है. इसकी माँ की डेथ हो गई थी एक दिन का था. 24 घंटे के बाद इसकी माँ की डेथ हो गई. तो बिना माँ के फिर कैसे रेज हुआ?
ये मिल्क से बॉटल से दूध वगैरह पिलाना पड़ा। बॉटल से पहले हमने बकरी के दूध से इसको पाला, फिर गाय के से, फिर हौली हौली। अच्छा, कोई और जो घोड़ी होती है वो भी प्रेग्नेंट होगी तो वो घोड़ी नहीं पिलाती है दूसरे बच्चों को दूध? वो हमारे पास उस टाइम नहीं थी। अच्छा, हाँ फॉस्टर मदर बोलते हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, एक दिन इसने दूध पिया। ओके ओके। अभी कितने साल का हो गया? ये 4 साल का। 4 साल का। हाँ। लाने का मकसद क्या है रफ्तार को? बस शो आस्ती। शो में उतारा था आपने? स्टैलियन नहीं, शो कल ही आई है। उम्र कितनी इसकी? 4 साल। 4 साल। हाँ जी, प्रॉपर स्टैलियन है ना अभी? हाँ जी। कितनी घोड़ियों पे छोड़े हो? इसको छोड़ दिया 30 घोड़ी पर। अभी। ओके ओके। और क्या चार्ज लेते हो आप? हमें की यार 21,000। ठीक है, नंबर देना चाहोगे? आपका क्या है नंबर? वो दिखा देता, ये जो बाहर जो लगा हुआ। हाँ, वो दिखा दो। ठीक है, स्टार्ट सर्विस के लिए अवेलेबल है। नंबर कहाँ लिखा है इसमें? नीचे ये 700। ये है नंबर, एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट कॉल अप। क्या नाम बताया आपने? रणदीप सिंह। और नाम है रफ्तार? हाँ जी, रफ्तार। 68 हाइट का रफ्तार। हाँ जी, आपकी हाइट कितनी है? मेरी है 5'10". खड़े हो उसके बाजू, देखो 5'10" का आदमी कितना बड़ा लगता है इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई कितने की है रतालू की प्लेट? कितने की है एक प्लेट? 50 रुपये का। स्वीट पोटैटो या रतालू 50 रुपीस। क्या डालते हो साथ में? हाँ, नींबू चटनी मसाला। नींबू चटनी मसाला, ओके जी। और क्या है आपके पास? यही है? फ्रेश है, नरम है एकदम? ओके, थैंक यू। बढ़िया, चलिए ऑन टू द नेक्स्ट हॉर्स। बहुत अच्छा नाम रखा है आपने, अजूबा। जी अजूबा। क्या मतलब होता है अजूबे? अजूबा बस ये 8 अजूबे हैं। हाँ, 8वां अजूबा ये साथ वंडर अजूबा है ना, वंडर। कोई वंडर करे भाई ये चीज़ क्यों, ऐसा क्या खास बात है? ऐसे हम लोगों खास इसमें सभी बातें खास है। इसके पैरों से लेके कान तक सभी खास ही है जी। हाँ, इतने खास के आपने इसको अजूबा बना दिया। हाँ जी, 8वां अजूबा दुनिया का। हाँ, ये घोड़ों का अजूबा यही है जी। 7 अजूबे पता है कौन कौन से? हाँ जी। हाँ, उसमें 8वां जी, 8। इसको शो में उतारा था आपने अजूबा का? नहीं नहीं, शो में जो जाना है अपना वो सभी शो चैंपियन है। ये क्या है, ये इसके इसकी अचीवमेंट्स है क्या? ऑल इंडिया शो, ये अपने पास एक नेक्स्ट दूसरा टैलेंट है। जियोनाटो आपका था क्या? लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू लिया था। जी जी जी। उसको नहीं लाया आपने? नहीं नहीं, वो कल आएगा जी। कल आएगा, वो बहुत अच्छा घोड़ा है। वो भी नुकरा ही है ना? जी जी जी। ओके, तो जियोना के ओनर हो आप लोग? क्या नाम है आपके फार्म का सर? ब्रास्टर्ड फार्म। ब्रास्टर्ड फार्म। ये जो बीच में खड़ा है ये कौन सा घोड़ा है? किंग ऑफ द रिंग। ये सारे जोनी की फोटो है जी। जियोना की फोटो है? जी जी। तो इसके अजूबा ने कोई शो नहीं जीता? नहीं नहीं, अजूबा हमने लगाया ही नहीं रिंग को। क्यों ऐसे? बस वैसे ही नहीं लगाया जी, जियोना सभी शो विन कर रहा है तो इसको भी जिताओ ना। नहीं नहीं, इसके एक तो जियोना बेटर है इससे। जी हाँ जी, वो ये अलग है वो अलग है। बेटर कौन सा? हमें तो दोनों ही ये है, जो इसकी मजबूती, इसके जो आप पेट देख सकते हो इसकी मजबूती पेट, उसका जो वो ब्यूटी में बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो। वो क्या हाइट का है जियोना? वो 68+ उसकी होगी। ये क्या हाइट? ये भी 68+। ये 68 जी। ब्यूटी यानी क्या चीज़ उसमें खास बात? उसका नेक प्रोफाइल अलग है? नेक प्रोफाइल, जो पिंकनेस है उसमें, जो उसका हाइट आ गई, लेंथ आ गई, सभी चीज़ें। आपका नाम क्या है वैसे? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप। और कहाँ के रहने वाले हो? ब्रास्टर्ड फार्म थाड़ा, अपना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है फरीदकोट। फरीदकोट? फरीदकोट के? जी जी। ओके ओके। एक मिनट, यहाँ पे आओगे मुझे पूरा घोड़ा दिख जाए। आप यहाँ पे आके खड़े हो गए, थोड़ा आगे थोड़ा आगे। एक्चुअली घोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये है अजूबा। जी जी। और कौन सी ब्लड लाइन का है ये? इसका बाप है जी समुंदर। हाँ, वो ब्लड लाइन का है जी। समुंदर, वो एक जेंटलमैन लेके आए थे ऊपर वाले जी, वो प्रॉपर समुंदर ना? हाँ जी, समुंदर। और जो इसकी माँ है वो भी नौकरी है।
64 इंच की हाइट है उसकी। समुद्र में तो थोड़े स्पॉट्स है ना। जी जी, वो इसीलिए वो जो ये लाइन है इसमें मजबूती आप देख सकते हो, मजबूती में सबसे ज्यादा ये है। इसमें हल्की हल्की जो इसकी इसकी लाइन की खासियत है वो इसमें बहुत ज्यादा है, मजबूती ज्यादा। जी जी, मजबूती। ओके, और कितने साल का एग्जैक्टली है ये? अभी 5.5 साल का हो गया। इसकी आपने ब्रीडिंग वगैरह कराई होगी ना? जी जी, आपने पास एक बहुत अच्छे लगाए बाहर कोई? जी जी, अब बच्चों की अभी फोटो नहीं लगाई है जी, लेकिन जो अपने पास एक स्टैलियन इसका तैयार हो रहा है जी, और बच्चा मिल्क फोटो है। जी जी, कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली अंदर ना समझ में नहीं आते घोड़े। जी हाँ, जब बाहर निकालते हैं तो अलग ही और लुक आता है जी, कि जिस तरह से जिस पोस्चर में खड़ा है जी, कमान और कान वान बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है सर। ये यंग है, ये कौन सा है? ये जौनाई। ये जौना है जी, बट फोटो तो आपने इसकी बेटर खींची है दोनों की। फोटो में तो ये टाइम होता है, ये जब जौना छोटा था तब की थी ये फोटो। ओके जी, तो जौना क्या उम्र का है? जौना अभी इससे थोड़ा कम उम्र का है, वो 4.5 साल का होगा। इसकी क्रॉसिंग फी कितना लेते हो आप? ये 35,000 रुपीज़। जी जी, और फरीदकोट लेके आना पड़ेगा लोगों को अपनी घोड़िया? जी जी, अपना विलेज है जी थाड़ा और कोटपुरा के साथ में पड़ जाता। तो कितनी घोड़िया अभी तक क्रॉस किया है इसकी? कोई अभी हमने काउंटिंग की नहीं है जी, लेकिन बहुत घोड़िया। बच्चे भी आप, मैं उनको आपको गिनाने लग जाऊँ को सभी गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन अपने पास जो एक बच्चा है इसका वो 66 इंच उसकी हाइट होगी। क्या उम्र का? वो मिल्क टीथ है अभी, और बढ़ेगी उसकी तो। जी बिल्कुल, हमें अनुमान है वो 70 अब जाएगी। तो माँ भी ऊँची होगी ना उसकी? माँ की हाइट भी अच्छी है जी उसकी, माँ अपने घर की माँ है उसकी। ठीक है, नंबर आपका देना चाहोगे लोग? जी, ये नंबर डाल दो, ये जो लिखा है आपका। जी जी, ठीक है, 7087575754। जी, गेट इन टच विद बराल स्टड फार्म। कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे पेज है? जी, बराल स्टड फार्म थाड़ा ही इंस्टाग्राम पे पेज है जी। क्या है, कुछ अंडरस्कोर है? बराल स्टड फार्म अंडरस्कोर थाड़ा। बहुत आते बराल स्टड फार्म अंडरस्कोर थाड़ा थाड़ा थाड़ा, ये नाम लिखा हुआ है ना? जी, कोटकपुरा के पास है। जी जी जी, ठीक है। वंस अगेन, नाम है इसका अजूबा जी। नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर ओपन फॉर क्रॉसिंग। या एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट कॉल हिम अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए मिलते हैं किंग कोबरा से। हाँ जी सर। ये नाम आपने बहुत यूनिक रखा है, सल्यूट, क्योंकि हम सुन सुन के वो नॉर्मल टिपिकल सुल्तान बादशाह कानों में से खून निकलने लग गए। अच्छा, आपने किंग कोबरा कहाँ से नाम सोच लिया सर? इसका नाम सोचा नहीं भाई साहब, इसका छोटे बच्चे से लेके अभी तक नाम इसका है। हाँ। अभी तक ये 11 साल का हो गया, 11.5 साल। ये 11 साल का घोड़ा? हाँ है जी। हाँ जी, 11 साल का हो गया। आई रिमेम्बर कल जब मैं शो कवर कर रहा था, कल या परसों, तो बाहर रिंग के बाहर इसको लेके आया था किंग। हाँ जी, हाँ जी। भाई, तो शो में पार्टिसिपेट किया कि लेके चले? नहीं, क्यों? शो में इसको लेके तो गए थे, लेकिन इसने थोड़ा दर्द माने लगे था तो वापस लिए। ओके, तो पूरा कॉम्पीट नहीं किया? नहीं जी नहीं। ओके, है घोड़ा जबरदस्त। कौन सी लाइन का है ये? नाग का बच्चा है। नाग का? हाँ, अच्छा, इसीलिए नाम रखा है किंग कोबरा। हाँ जी, हाँ जी। और एडम का पोता है। एडम का पोता। हाँ, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम भगत सिंह है। और कहाँ? भगत सिंह। भगत सिंह है। भगत सिंह। हाँ जी। और कहाँ के रहने वाले? हमारा गांव तुंगवाली है। तुंगवाली के? हाँ जी, तुंगवाली पिंडा गाँव है। ओके, और जो एडम घोड़ा था वो भी हमारे पास ही ब्रीड हुआ था। अच्छा, और नाग घोड़ा भी हमारे। तो फिर क्यों दे दिया आपने इतना अच्छा घोड़ा एडम? है, बेच दिया बाद में? हाँ जी, हाँ जी, एडम घोड़ा हमारे पास है 9 साल के लगभग। अच्छा, 9 साल आपके पास था, उसके बाद आपने? हाँ जी। और ये 11 साल का है? हाँ जी, हाँ जी। एडम से भी बड़ा है उम्र में कि एडम के बाद आया? नहीं नहीं, एडम तो इसका दादा हो गया। अच्छा, एडम इसका दादा हो गया। हाँ जी, एडम अभी अलाइव नहीं है? नहीं, एडम तो अभी नहीं। ओके ओके। अच्छा, लास्ट ईयर कोई एक एडम आया था, वो अलग होगा मेरे ख्याल से। एंट्री पे घोड़ा था, उसका नाम भी एडम वगैरह था। हमारे पास भी था, उसका भी नाम है एडम। तो ओके, एडम नाम की बहुत। इसकी क्या हाइट है सर? हाइट इसकी 67+ है। 67+। हाँ जी। और अभी तो काफी घोड़ियों के साथ क्रॉस कर चुका होगा? हाँ जी, इसका रिजल्ट का फोटो लगाया हो? बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। है, फोटो नहीं डाला? नहीं, इसके रिजल्ट का फोटो नहीं है, हमारे फोन में तो है। हाँ, लेकिन इसकी वो नहीं है, फोटो वगैरह नहीं है बाहर रखी। क्या हाइट के जाते हैं इसके बच्चे? बच्चे इसके अभी तो बहुत बड़े, 5-4 तो ऐसे जो सांड बन गए, अच्छे घोड़े बन गए, 2 दांत में 4 दांत में हो गया। अभी 9 साल में, जाहिर सी बात है, आपने कल का तो शो रद्द आपने कर डाला था अपनी तरफ से, आप बाहर निकाल दिए थे, लेकिन उसके पहले भी कॉम्पीट किए होगे ना कोई शो? नहीं, अभी तक ये किसी पहले शो में आया था। तो 9 साल में आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें नहीं, ये घोड़ा हमने खरीदा है, हमें इसको सिर्फ 6 महीने हो? अच्छा, आपको 6 महीने हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो तैयारी है अभी शो में उतरने लायक? हाँ, आगे से तैयारी तो अभी भी थी, लेकिन थोड़ा ऐसे लगा जैसे को दर्द हो रहा है तो वापस लेके आना पड़ गया। ओके ओके। कब तक के हो मंडी में आप सर? हम अभी हैं 2 दिन और। ठीक है, आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी। क्या नंबर है आपका? नंबर हमारा है जी 98-553-58-226। वैसे आप फुल टाइम करते क्या हो? घोड़ों के व्यापार में हो क्या? घोड़ों के, घोड़ों खेती बाड़ी भी है साथ में, लेकिन घोड़ों का ज्यादा है।
तो इतने पंजाबी लोग घोड़े में है, घोड़ियों में, घोड़े की बिजनेस में इतनी अर्निंग है अच्छी खासी? हाँ जी। क्या शौक ही है? शौक शौक तो शौक है कि भाई खाली गवाना ही है? नहीं जी, शौक तो पहले है हमारा, तो देखो जो पीढ़ी दर पीढ़ी है हमारी, यानी कि अगली पांचवी पीढ़ी भी आगे इसमें होगी। हाँ। बहुत पुराना है, बाप दादों से पुरखों से है। और जो मज्जू की ब्रीड है वो हमारे घर से ही शुरू, यानी कि हमारे घर से ही चलती है, जो एडम घोड़ा क्योंकि हमारे पास था। ओके, ओके। मज्जू के तो उसका बाप था जो, ओके, क्योंकि जब एडम हुआ उसके बाद ही मज्जू के लेने की ज्यादा। अभी कितने घोड़े रखे हो आपने? घोड़े हैं हमारे घर में तीन और है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। हाँ जी, ये बड़ा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, चलिए ऑन टू द नेक्स्ट हॉर्स। एंड मेरे ख्याल से जितने भी घोड़े मैंने कवर किया, दिस हैज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। यू कैन से दैट। अनडेनाइबली वेरी ब्यूटीफुल, द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, नो फैट, एब्सोल्युटली फिट। आपका नाम क्या है सर? आदाब सेखू जी। हां, आदाब सेखू। आदाब? हां जी, आदाब। हां जी, रियल नेम है? यस, हां जी, हां जी। ऐसे भी नाम होते हैं पंजाब? हां जी, उर्दू वर्ड्स वाले। हां जी, बहुत बढ़िया सर। और घोड़े का नाम भी एक अरबिक या उर्दू नाम ही होगा, अकबर, बादशाह अकबर के नाम से रखे हो आपने। कब से है आपके पास घोड़ा ये? हमारे पास जी 1.5 ईयर हो गए जी। 1.5 ईयर। हाँ जी। उम्र कितनी है अकबर की? 3.5-4 साल के बीच बीच में है। Okay. अभी 4 साल का हुआ नहीं। तो आपने लेने के बाद नाम रखा अकबर के, पहले से नाम? नहीं, हमने लेने के बाद रखा। ओके, क्यों अकबर सर? क्योंकि नाम मैंने जनरली वही देखा, सुल्तान, बादशाह, नूरा। हाँ जी, व्हाइट घोड़े पर। हाँ जी, इसका नाम अकबर कैसे सुझा? बस वैसे ही अच्छा लगा जी, रख दिया। कौन रखा आपने? हाँ जी, मैंने रखा। बहुत अच्छा नाम रखा। हाँ जी। क्या हाइट के अकबर? 67 है जी। 67। हाँ जी। आप कोई शो में उतारा आपने? नहीं, अभी नहीं। तो टेंट बड़ा फैंसी लगाते हो आप पंजाबी लोग। वैसे हर एक का टेंट इतना फैंसी नहीं है। आपने बहुत खर्चा किया है, कोमल स्टड फार्म ने बहुत खर्चा किया है। तो क्या है जो दिखता है वो बिकता है? इतने अच्छे घोड़े हैं जी, इनको टेंट भी तो, जगह भी अच्छी चाहिए इनके लिए खड़ाने के लिए, इसकी वजह से अच्छा लगवाया। कौन कौन से फेयर में जाते हो? सारे में जाते हैं जी। हाँ जी, हनुमानगढ़, गंगानगर, मुक्सर, हमारे जो एरिया के हैं इधर। अभी जगराव जाओगे? नेक्स्ट? नहीं, जगराव नहीं, हमें थोड़ा ज्यादा दूर पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, जगराव। कहाँ के रहने वाले हो? अबोहर, पंजाब। अबोहर। हाँ जी, अबोहर हनुमानगढ़ आसपास ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे आने का पर्पस होगा ना कुछ? हाँ जी, घोड़े को दिखाने के लिए, अगर बताएंगे तो ही, ब्रीडिंग पर्पस के लिए है, अगर देखेंगे लोग फिर ही मीटिंग के लिए मतलब आते हैं लोग। तो इसके रिजल्ट का आपने क्यों फोटो नहीं डाला है? रिजल्ट है जी, उधर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि रिजल्ट देखने के बाद ही पब्लिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना? और इसकी ये खासियत है कि मारवाड़ी घोड़ी पे भी नुकरा नुकरा बच्चा आया जी। ये है इसका रिजल्ट इधर। सही बताओगे इधर कहीं कम है? सो अकबर, आई एम नॉट श्योर इफ आई प्रोनाउंस दिस राइट वर्ड करेक्टली, पुजेंसी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पुजेंसी। हाँ जी, यानी इसके आगे जो हाँ जी वंश चल रहा है। ये वाली फिली है जो ये 25 डेज की है, जबकि ये फोटो है। तो माँ ऐसी फुलकारी वाली? हाँ जी, हाँ, नीली चंबी है माँ, बच्चा निकला। ये है लाल चंबी आगे घोड़ी। ओके, उसकी वजह से इसके थोड़ी लाल फुलकारी है, अब ये ईयर व्हाइट कर गई अपने, बट ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो हाँ जी, नहीं निकला थोड़ा? नहीं, यूनिक है, प्योर नुकरा है, स्पॉटलेस है बिल्कुल। ओके, आई चंबी घोड़े की वजह से ये आए है फुलकारी। कितने मजबूत लग रहे हैं घोड़े के, है ना? यही खासियत है ना, क्योंकि खुद भी घोड़ा मजबूत है, सारी लाइन अच्छी है इसकी। जी जी, हाँ जी, फादर वाली साइड से सुल्तान का बच्चा भागसर का। ओके, मदर इसकी समुद्र की है। तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि भाई मारवाड़ी से क्रॉस किया, देखो नुकरा निकला, या ये बार अलग है कि वही है? हाँ, वही है, वही है ना। हाँ जी, मजबूती देखो कितनी है। जी जी, तो ये जो बच्चे हैं बेचने हैं आपको इसके? नहीं, ये किसी के पास है, किसी और का। ये वाली फिली तो सेल होगी आगे। हाँ, कितने जाती है इसकी फिली? ये 2 लाख की सेल होगी फिली। ओके, हाँ जी, गुड टू हियर, एटलीस्ट वो अनडिसाइडेड प्राइस नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। कितना है क्रॉसिंग फी? 21,000 for Akbar. And what is the number people can contact you at? 9877276568. और फार्म का नाम क्या है आपका? सेखों स्टड फार्म। कोई इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह है? हाँ जी, है जी। कौन सा है? सेखों स्टड फार्म 29। सेखों स्टड फार्म 29। हाँ जी। और आपका नाम क्या? आदाब सेखों। और आदाब नंबर आपका दोबारा? 9877276568। आदाब का है अकबर। हाँ जी। एंड यू कम फ्रॉम नियर मलोट साइड? अबोहर। अबोहर साइड, सॉरी, अबोहर साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ये घोड़ा बड़ा जानदार है ना। चलिए आपकी भारती के पास चले, वो तो घर में, घर में लेके चले गए। क्या मिला, छठी पोजीशन पे आया ना आपका नाम क्या है वैसे? कमलप्रीत। तो और भी घोड़े लाए होंगे ना? एक ही लाए? नहीं एक ही ले आए, खाली शो के वजह, शो के लिए। अच्छा तो कुछ गलत बोल दिया आपने इंटरव्यू में? नहीं नहीं सही है, इंटरव्यू सही था, वो भारती का आप बोले ना। हाँ जी मैं कर रहा हूँ, वो ना सुन नहीं रहा था भैया। हाँ फर्का बहुत हो रहा था आसे पासे, इसलिए सुन नहीं रहा था। अच्छा ये घोड़े के बारे में क्या कहना है आपका? ये घोड़ा बहुत अच्छा है, ये काले कांटे का है, इसका बच्चा बहुत अच्छा है, एक महीने का ही है। आपकी भारती जो है वो खाली है अभी? क्या वो प्रेग्नेंट है? 3 महीने की। किससे? यो दिलबाग से। तो इसे क्यों नहीं किया? नहीं वो नौकरी है ना। अच्छा वो नौकरी थी आपकी? क्रॉस नहीं करा सकते। ओके ओके हाँ जी। तो ऐसे भी होता है ना, क्रॉस करेंगे नौकरे को उससे तो मारवाड़ी 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 सी होएगी नौकरी। आपके अनुसार कौन सी मारवाड़ी जी नुकरा बेटर है क्या मारवाड़ी दो में? हाँ दोनों। आपको पसंद कौन से ज्यादा? मारवाड़ी भी। मारवाड़ी ज्यादा है। ज्यादा पैसे किसके मिलते हैं? मारवाड़ी के। मारवाड़ी के ज्यादा पैसे मिलते हैं। और आप हो नुकरे? प्योर नुकरा है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। क्या पानी? सराफी है? हाँ मैं मुंबई से हूँ। आप कहाँ से? हाँ, आप कहाँ से? हम यहाँ बठिंडा के पास, हमारा विलेज है। क्या नाम है आपका? महाराज मेरा नाम है चेतन पाल सिंह। चेतन पाल सिंह? चेतन पाल सिंह। क्या करते हो वैसे आप? मैं गवर्नमेंट सर्विस मैन हूँ। घोड़ों में कोई नहीं है? नहीं इनमें हमारे पास पहले घोड़ी थी, हमारा शौक है। ये मेरे फादर है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह है। ठीक है, घोड़े लेने आए हो? नहीं हमें तो हम देख नहीं आए, हॉबी है हमें। ये मेरा ब्रदर है। क्या नाम है आपका? हर्षदीप सिंह। हमने ना आपकी आवाज, मतलब कि आपकी आवाज से आप ज्यादा फेमस हो, मैं आई थिंक ये चैनल से कम होंगे, पर आपकी आवाज बहुत क्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मजा आया आज बहुत बहुत ज्यादा। हम हर साल आते हैं, इस बार भी मेरे फादर भी नाल आए थे, ब्रदर भी था। सर आपसे बात कर सकता हूँ? आप कब से आ रहे हो मुक्सर मेले में? सर कितना समय हो गया आपको, कितना साल हो गया? 5-4 साल। आपको याद है कुछ बचपन की यादें? बचपन से लगता था आपके, आप जब जवान थे तो ये कौन से साल से शुरू हुई घोड़ा मंडी, कुछ आइडिया है आपको? 2000 में। उससे पहले सिर्फ वो माघी का मेला लगता था, झूले वूले वाला, पहले कभी नहीं आया था 2000 में। अच्छा अच्छा, पहले आप नहीं आए थे? हमारा दोस्त था, हमारे साथ काम करता था बिजली बोर्ड में, वो लेके आया था हमारे को। अच्छा, उसके पहले मेला लगता था लेकिन आप आए नहीं थे? हाँ हाँ आए नहीं, मेला लगता था। ठीक है, मेला बड़ा पुराना है, बहुत पुराना मेला, ऐतिहासिक, इसका कल्चरल महत्व है ना आप लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल पुराना है मेला, लगता है। ठीक है, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है मेले की, यहाँ पर जो भी पंजाबी हॉस्पिटैलिटी है, आप किसी का भी इंटरव्यू लो हर एक बंदा बोलेगा खाना खाओ, पानी पियो, चाय पियो, तो पंजाबी हॉस्पिटैलिटी की वजह से ऐसा लगता है कि आप बार बार आए। जो पंजाब का पंजाबी लोग हैं उसका गलन और दरिया जल के, पहले चाह पानी पूछेंगे, सेवा पूछेंगे, बाद में बात करेंगे। पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं नहीं देखता हूँ कोई भूखा सोता होगा। हाँ। कोई बिना छत के सोता होगा, गुरुद्वारे में रुक जाते हैं, खाने लंगर में मिल जाता। आप यहाँ पे भी देख लो ना, आई थिंक मेरे को दो लंगर लगे हुए हैं, एक वहाँ पे है, एक उसके इधर बैक साइड में। कल तो जगह जगह होगा, कल हाँ, तो कल तो ज्यादा होगा, पका पका के। अभी जब हम बठिंडा से आ रहे थे ना, हाँ? उस रास्ते में काटो का भी 10 लंगर लगे हुए थे। लोहड़ी कब है? आज लोहड़ी आज है, आज है। हाँ, और कल कल मेला है, माघी का मेला मेला है, परसों मकर संक्रांति। हाँ जी हाँ, परसों मका मेन है ना, 15 तारीख का? नहीं कल को ही ज्यादा है, कल को। अच्छा अच्छा, ठीक है, परसों सब जाना शुरू कर, जाना शुरू कर देंगे। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। ਕਿਉਂ ਕਿਧਰ ਆਇਆ?
यहाँ पर था मेरा का पंजाब शो चल रहा था, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। हुआ करता था पंजाब हॉल शो का वेन्यू। अब हो गया खाली, बिल्कुल शो खत्म हो गया।